आजकल हम अपने मोबाइल फोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, जिसके कारण हैकर्स के लिए हम असुरक्षित हो रहे हैं, जिसके कारण वो हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। इससे बचने के लिए हम अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं टेक सुमेर। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कैसे हैकर्स आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। हैकर्स ज़्यादातर आपके तीन तरीके से आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक नेटवर्क के जरिए, और दूसरा है आपका अनसिक्योर्ड ऐप्स के जरिए, और तीसरा है फिशिंग के जरिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट है फिशिंग स्कैम। हैकर्स आपके फ़ोन को एक्सेस करने के लिए फिशिंग स्कैम का इस्तेमाल करते हैं। यह स्कैम बहुत ही कॉमन स्कैम है। दोस्तों, यह फिशिंग स्कैम क्या है? यह स्कैम ये है कि मतलब आपके मैसेज पे या मेल पे आपको नॉर्मल सा कोई मतलब मैसेज आएगा और उसमें रहेगा एक लिंक। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के थ्रू उसमें दोस्तों उसमें रहता है मालवेयर। जब उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका फ़ोन को एक्सेस कर लेगा, यानी आपका फ़ोन वो हैक कर लेगा। सेकेंड है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। दोस्तों, पब्लिक वाईफाई से भी आपका फ़ोन को हैक किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी अलग वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई पब्लिक में नेटवर्क है उससे आप कनेक्ट करके कोई डॉक्यूमेंट को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आपको हैकर्स अगर मतलब वो हैकर आपके मतलब इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। इसलिए कभी भी अनसिक्योर्ड दोस्तों कभी भी पब्लिक मतलब वाईफाई को इस्तेमाल ना करें। थर्ड है अनसिक्योर्ड ऐप्स। सिक्योर्ड ऐप्स को इस्तेमाल करने से भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। दोस्तों, क्या होता है कि कोई अनसिक्योर्ड ऐप्स है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे जैसे वेबसाइट वोटर से। दोस्तों, जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे ना हो, हमारा रिक्वायरमेंट है कि उसको मत ही डाउनलोड कीजिएगा मतलब वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों, उसमें एज ए अनसिक्योर्ड ऐप्स को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आप जब भी यूज करेंगे तो वह आपसे परमिशन मांगेगा, जिसके वजह से आप अलाउ अलाउ कर देते हैं। आप तो सोचते समझते हैं नहीं, लेकिन आप कर देते हैं। करने के वजह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डाटा उनके पास चली जाती है, जिसके वजह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गलत उपयोग में ले सकते हैं। हम आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिससे आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले आप अपने फ़ोन को हमेशा अपडेटेड रखें। दोस्तों, अपडेटेड वर्जन से आपको सिक्योरिटी पैचेस, बग्स मतलब फिक्स मिलता है, जिसके वजह से आपका फ़ोन हैक होने से हमेशा बचा रहता है। नंबर 2, फिशिंग स्कैम से बचें। फिशिंग स्कैम से बचने के लिए आप हमेशा फायरवॉल और एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फिशिंग स्कैम से बचने का सबसे आसान उपाय ये होता है कि कोई भी मतलब लालच में ना पड़े और कोई भी अनसिक्योर्ड वाला जो भी चीज़ हो उसको मत रखें, और साथ साथ में आप किसी भी लिंक उंक पे या किसी मैसेज वैसेज पे रिप्लाई ना करें और ना ही कोई लिंक पे क्लिक करें। थर्ड है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से बचें। पब्लिक वाईफाई से बचने के लिए आप हमेशा वीपीएन का इस्तेमाल करें, और कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कागज़ वगज भेजने से पहले आप हमेशा एक सिक्योर्ड कनेक्शन या अपने मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करें। फोर्थ है अनसिक्योर्ड ऐप से बचें। अनसिक्योर्ड ऐप से बचने के लिए आप हमेशा प्ले स्टोर का यूज करें। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आप एप्पल ऐप स्टोर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आपको डाउनलोड करने से ये होता है थोड़ा सिक्योरिटी तो रहती है दोस्तों। और दोस्तों, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसका रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें, तब जा करके आप इंस्टॉल उसे करें। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने फ़ोन और सिस्टम को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।